हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और उनमें हर एक देवता की अलग अलग निर्धारित की गई है, लेकिन इन सभी में एक ऐसे देवता भी हैं जिनकी पूजा नहीं की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्ग के राजा इंद्र की। आखिर इंद्र कौन है और इंद्र की पूजा क्यों नहीं की जाती? हमारे भारत देश में विभिन्न विभिन्न मंदिर हैं जो कि अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं, लेकिन इंद्र का कोई भी मंदिर हमारे भारत देश में नहीं है। यहाँ तक कि इंद्र की पूजा भी नहीं की जाती। इसके पीछे का कारण बहुत ही अचरज भरा है और ये रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आज इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इंद्र की पूजा क्यों नहीं की जाती और इंद्र कौन है। माना जाता है कि इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि एक पद का नाम है और दूसरा एक विशेष प्रकार के बादल का भी नाम है इंद्र। इंद्र एक काल यानी कि एक समय अवधि का नाम भी है। मन्वंतर में अलग इंद्र, सप्तऋषि, अंशावतार और मनु होते हैं। इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, वासव, शक्र, देवराज भी कहा जाता है। इंद्र के कारण ही इंद्रधनुष, इंद्रजाल, इंद्रियां, इंद्रा जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना गया है। इंद्र को उनके छल के कारण अधिक जाना जाता है। वैदिक समाज जहां देवताओं की स्तुति करता है, वहीं वह प्राकृतिक शक्तियों की भी स्तुति करता है और वह मानता था कि प्रकृति के हर तत्व पर एक देवता का शासन होता है। उसी तरह वर्षा या बादलों के देवता इंद्र हैं, तो जल यानी कि समुद्र, नदी इत्यादि के देवता वरुण हैं। दरअसल समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उनमें से ऐरावत भी एक था। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्य युक्त दिव्य गणों वाले ऐरावत हाथी को अपने लिए रख लिया था। ऐरावत चमकता हुआ श्वेत वर्ण का था, उसके 4 दांत थे, इसीलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर एक पद का नाम है तो इसमें बहुत सारे व्यक्ति होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक 14 इंद्र हुए हैं। जी हाँ, स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इंद्र इस काल का नाम भी है, जैसे 14 मन्वंतर में 14 इंद्र होते हैं। 14 इंद्र के नाम पर ही मन्वंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम पे ही रखे गए हैं। प्रत्येक मन्वंतर में एक इंद्र हुए हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: यजनन, विवशिचित, शिवी, विधु, मनोजव, पुरंतर, बाली, अद्भुत, शांति, विश, ऋतुधाम, दिवासपति और सूची। कहा जाता है एक इंद्र वृषभ यानी कि बैल के समान था। असुरों के राजा बलि भी इंद्र बन चुके हैं और यहाँ तक कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने भी इंद्र पद हासिल कर लिया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इंद्र का चरित्र और कार्य क्या था। इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता था। ऐसे में बाली भी एक बार इंद्र बन चुके थे और रावण का पुत्र जो अति शक्तिशाली था यानी कि मेघनाथ, उसे भी इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी। वहीं इन्हें वर्षा पैदा करना और स्वर्ग पर शासन करना होता है। बादलों और विद्युत का यह देवता माने जाते हैं और इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती है। अब बात करते हैं इंद्र की शक्तियों की। इंद्र के युद्ध कौशल के कारण आर्यों ने पृथ्वी के दानवों से युद्ध करने के लिए भी इंद्र को सैनिक नेता मान लिया था। इंद्र के पराक्रम का वर्णन करने के लिए शब्दों की शक्ति अपर्याप्त है, इसीलिए उस काल में यानी कि हर एक काल में जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा था वही बना इंद्र। अब जानते हैं कि आखिर हिंदू धर्म में इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती। दोस्तों भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नाम का उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा कर गोपोत्सव यानी कि गाय की पूजा आरंभ करवाई थी। ये सब तो आपको पता ही होगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था।
ऐसे में इंद्र भी घबरा गए थे और उनका अभिमान पूरी तरह से चूर चूर हो गया था। बस उसी क्षण के बाद से ही इंद्र की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना कि ईश्वर हो और ना ही ईश्वर तुल्य हो। यानी कि इस बात से साबित होता है, इंद्र देव तो थे लेकिन कोई ऐसे ईश्वर नहीं थे जिनका आराध्य माना जाए या जिनकी पूजा की जाए, क्योंकि इंद्र एक पद था जो बार बार निरंतर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा धारण किया जाता था। ऐसे में दोस्तों, अब तो आपको पता ही चल चुका होगा कि आखिर कौन थे इंद्र और उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।